प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक वारदातों को लेकर प्रदेश में सियासतों का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश के आह्वान पर भाजपा ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेताओं के मुताबिक कांग्रेस की सरकार आते ही प्रदेश में कानून व्यवस्था अराजक हो चली है और खुलेआम अपराधी किसी भी घटना को अंजाम देने में नहीं डर रहे हैं। भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी कि अगर अपराधों पर सरकार ने लगाम नहीं लगाई तो भाजपा सड़कों पर आकर प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएगी। जबलपुर से विकास पांडे की रिपोर्ट। ज्ञापन का उद्देश्य आप सबको पता है, सत्ता परिवर्तन के बाद 71 वर्षीय कमलनाथ जी सरकार संभालने में पूर्णतः असफल हो रहे हैं। उन्होंने जिन लोगों को मंत्रिमंडल में रखा है वे सब आपराधिक गतिविधियों में कहीं ना कहीं संलग्न रहे। अपराध बढ़ने का कारण ये है कि जब आपराधिक गतिविधियों में संलग्न लोग सत्ता में आ जाएंगे तो उनके साथ घूमने वाले निरंकुश लोग आगे बढ़ के हत्याएं और बहुत सारे अपराध करेंगे, उसका सिलसिला प्रारंभ हो गया है। एक जनप्रतिनिधि की, नगर पालिका के अध्यक्ष की जो हत्या की गई मंदसौर में हुई है, उसके पहले एक व्यापारी की जो हत्या की गई, किसान लगातार मर रहे हैं। ये वादा खिलाफी कर सरकार झूठ बोलकर शासन में आई है और पूरी तरह ये कानून व्यवस्था बनाने में असफल है। भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस से ज़्यादा वोट दिए हैं। ऐसी स्थिति नहीं अंक गणित में भाजपा की सरकार न बन पाई हो, लेकिन जनता का समर्थन भाजपा के साथ उनसे ज़्यादा है। यदि वो नहीं संभाल पाते तो भारतीय जनता पार्टी जनता के सहयोग से गुंडों का दमन करेगी, अपराधों का दमन करेगी और सरकार को चलने नहीं देगी। इसलिए हम उनको चेतावनी देना है, या तो सुधर जाएं, इसकी निष्पक्ष जांच कराएं, अपराधी गतिविधियों पर अंकुश रखें, अन्यथा भाजपा को मजबूर होकर सड़क पर आना पड़ेगा।